हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। हम इनसाइट आईएएस डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जो सबसे पहली न्यूज़ है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में है। 1989 में 11 जुलाई के दिन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे डिक्लेयर किया गया था और तभी से हर साल इस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो 2018 है, इस बार की थीम है फैमिली प्लानिंग इज़ ए ह्यूमन राइट। बात करें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है तो इसमें इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, हमने इंडिया टूरिज्म मार्ट पढ़ा था, कल वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस पढ़ा था, इसी टाइप से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जिसमें जो पॉपुलेशन है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, पॉपुलेशन से जुड़े हुए जो इशू हैं जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, इन सारे मुद्दों पे पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन के बारे में है, कंटेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी की जो 150th एनिवर्सरी थी उस दिन इंटरनेशनल महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन लाया जाएगा। ठीक है, ये अपने तरह का पहला ऐसा कन्वेंशन है जिसमें सैनिटेशन की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो वेरियस कंट्री हैं उनमें 70 कंट्रीज़ के वेरियस मिनिस्टर्स आएंगे और उनको गांधी ट्रेल पे ले जाया जाएगा गुजरात में। गांधी ट्रेल मतलब, देखिए ट्रेल का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बंदा है और यदि कुछ वो निशानियां छोड़ गया है, कुछ पैसे छोड़ गया है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, साइंस हैं, है ना, तो उस रूट पर घुमाया जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, उनका पूरा जीवन दर्शन कराया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गांधी ट्रेल। ठीक है, तो जो वेरियस कंट्री के 70 मिनिस्टर्स होंगे इनको गुजरात में ले जाके गांधी ट्रेल पे ले जाया जाएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसके पिछले 4 साल में जो उसमें सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जो भी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के, उनका शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा जो वेरियस कंट्रीज़ के मिनिस्टर जुड़ने वाले हैं ये अपनी कंट्रीज़ के सैनिटेशन के मुद्दे पर अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन के बारे में। महात्मा गांधी की 150वीं जो एनिवर्सरी है उस दिन ये इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन लाया जा रहा है और इसमें 70 कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं वो गैदर होंगे, गांधी ट्रेल पर जाएंगे। इसके अलावा हमारी कंट्री ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर जो भी प्रोग्रेस करी है उसकी शोकेस की जाएगी, उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। इसके अलावा जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे सैनिटेशन के मुद्दे पे। ठीक है, और फिलहाल में अभी कंटेक्स्ट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक चैलेंज लेके आई है। ठीक है, और ये चैलेंज इट इज़ द पार्ट ऑफ महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इस चैलेंज में क्या होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनोवेटर्स हैं, एनजीओज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, इसके अलावा जो सिविलियन हैं उनसे बात की है कि जो सेप्टिक टैंक हैं, ठीक है, जो सीवर्स होते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग घुसता है और फिर उसकी जो गंदे नाले रहते हैं उनकी सफाई की जाती है। ठीक है, तो जो वेरियस इनोवेटर एनजीओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इन सब से गवर्नमेंट का बोलना है कि आप कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी बिजनेस सॉल्यूशन निकालें ताकि विदाउट ह्यूमन एंट्री जो सेप्टिक टैंक्स हैं, सीवर्स हैं, उनकी सफाई की जा सके। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन के बारे में और हमने चैलेंज की भी बात की। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड की देखरेख में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेके आई है जिसमें हमारी कंट्री में जो ओलंपिक गेम्स हैं, ठीक है, इसके पोटेंशियल को फाइंड करना, ऐसे एथलीट को फाइंड करना है, ठीक है, ताकि जो हमारी कंट्री के लिए ओलंपिक मेडल जीत सकें। इस स्कीम के तहत, देखिए स्कीम का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, हम लिखते हैं टारगेट मसूरी, टारगेट यूपीएससी, इसी टाइप से टारगेट ओलंपिक पोडियम बोले तो इस स्कीम का मकसद ये है कि हमको मेडल जीतना है ओलंपिक गेम्स में, सिंपल है। ठीक है, टारगेट ओलंपिक जो पोडियम स्कीम है इसमें जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर उनको वर्ल्ड क्लास
फैसिलिटी दी जाती हैं ताकि वो अपना जो भी स्पोर्ट है उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और अल्टीमेटली मेडल जीत सकें। ठीक है, तो जो एथलीट्स रहते हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी पूरी देखरेख की जाती है, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो मेडल फाइनली जीत सकें। इसके अलावा 2020 से 2024 के बीच में, सॉरी, अभिनव बिंद्रा कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, और इसका मकसद ये था कि जो 2020 और जो 24 में ओलंपिक गेम्स हैं इसमें हमारी कंट्री में क्या जो पोटेंशियल है मेडल जीतने के लिए, इसको फाइंड करके, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए ओलंपिक मेडल ज़्यादा से ज़्यादा जीतना मकसद था अभिनव बिंद्रा कमेटी का। बात करें मिशन ओलंपिक सेल की, देखिए अभी हम बात कर रहे थे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, उसी के अंदर ये बॉडी बनाई गई थी जो टॉप्स स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के तहत आती है, उसी के तहत मिशन ओलंपिक सेल बनाया गया था। ये एक डेडिकेटेड बॉडी है जो एथलीट्स टॉप्स स्कीम में सिलेक्ट हो जाते हैं वो मिशन ओलंपिक सेल के थ्रू ही किए जाते हैं, और यही बॉडी जो एथलीट्स हैं उनके लिए फंड का डिसबर्सल होता है, ठीक है, जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह डिसाइड करती है। सपोज करें कि कोई एथलीट टॉप्स स्कीम के लिए सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, तो अब वो किस कोच के अंडर उसकी ट्रेनिंग होने वाली है, इसके अलावा किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसको पूरा सिखाया जाने वाला है, किसी एथलीट को सिलेक्ट करना है या उसका एक्सक्लूजन करना है, ये सारे काम मिशन ओलंपिक सेल के द्वारा किए जाते हैं जो कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत बनाई गई थी। और इसका जो चेयरमैन होता है वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, ये सारी बातें थी, ध्यान रखिएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में। ठीक है, अब फिलहाल में कंटेक्स्ट ये है कि जो मिशन ओलंपिक सेल है उसने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए इंडियन हॉकी टीम की जो पूरी टीम है जो फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ठीक है, तो उनके जो पूरी की पूरी इंडियन हॉकी टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं उनको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सिलेक्ट कर लिया है। किसने? मिशन ओलंपिक सेल ने। और यदि ये टॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो इसका मकसद ये है कि अब उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा और भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़, टेलीकॉम कमीशन अप्रूव्स नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो जो अगली न्यूज़ है वो नेट न्यूट्रलिटी के बारे में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई ने टेलीकॉम कमीशन के पास कुछ रिकमेंडेशन भेजे थे जिनको अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है। देखिए जो वेरियस टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज हैं, आप सपोज करें कि आप वेरियस वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं लेकिन कुछ वेबसाइट बहुत जल्दी एक्सेस हो रहे हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा किसी पर्टिकुलर जो वीडियो हैं वो बढ़िया चल रहे हैं, किसी में बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो टेलीकॉम कंपनीज हैं किसी पर्टिकुलर जो वेबसाइट हैं उनको एक स्पेशल कंडीशन में डाल देती हैं, पता चला कि आपको स्पेशल डेटा पैक लेना पड़ेगा तभी आप कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्फ कर पाएंगे। ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये इसको ही न्यूट्रलाइज करना नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं यदि वो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यदि वो अपने जो कंटेंट हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं यदि उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वही नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। ठीक है, अब जो TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, इन पे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बात की गई है कि कोई भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर मोबाइल ऑपरेटर इंटरनेट प्रोवाइडर्स या इंटरनेट कंपनीज होंगे वो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो मैं बात अभी कर रहा था सॉरी वही बात इसमें की गई है कि जो कंटेंट है आप उसमें प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, किसी पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट है वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो उनको प्रिफरेंस नहीं दिया जा सकता। आगे बात की गई है कि जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? देखिए कुछ समय पहले एयरटेल और फेसबुक ने आपस में टाई किया था, अपने एक उनमें एग्रीमेंट हो गया था, इसके बाद एयरटेल कंपनीज में एयरटेल जो सर्विस प्रोवाइडर था उसके जो मोबाइल थे उसमें फेसबुक फ्री में एक्सेस की जा सकती थी। ठीक है, तो जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते कि जो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में हो, मतलब
कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट फेसबुक या कोई भी और जो अदर वेबसाइट है आप उनको फ्री में एक्सेस करने की सर्विसेज देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नेट न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में है। इससे जो कंपटीशन है वो कम होता है, इनोवेशन में भी गिरावट आती है, ठीक है। तो इसका मतलब था जीरो रेटेड जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिएट नहीं किए जाएंगे, इनकी मनाही की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन एक्सेस इज अनरेस्ट्रिक्टेड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की जो ऑनलाइन एक्सेस है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी या अनरेस्ट्रिक्टेड होगी। इसमें जो गवर्नमेंट है उसने कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग, ठीक है, ये एक अपकमिंग जो टेक्नोलॉजी है हमारी कंट्री में आएगी इन द फ्यूचर, या इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है जिनमें ऑटोनोमस ड्राइविंग की कंडीशन बनती है, ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा GPS के थ्रू या जो भी है तो काफ़ी तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में बात की गई है कि इस कंडीशन में एक्सेप्शन किया जा सकता है। इसके अलावा टेली मेडिसिन और रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी एक्सेप्शन की बात की गई है नेट न्यूट्रलिटी के लिए। रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज का क्या मतलब है इधर पे? देखिए, आपने मूवी देखी होगी 3 Idiots, जहाँ पे सबसे लास्ट मूवी में जो करीना कपूर है उनकी सिस्टर का लेबर पेन होता है और जो रेंचो है वो किसी तरीके से डिलीवर करवाता है, उसमें वो लोग कंप्यूटर पूरा सेटअप करते हैं और फिर वहाँ से जो फीमेल डॉक्टर थी वो उसको ऑनलाइन पूरा समझाती है ना, तो इसी को कहा गया है रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ठीक है, जो टेलीमेडिसिन है या रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस ड्राइविंग की जो कंडीशन है इसके लिए नेट न्यूट्रलिटी में एक्सेप्शन की बात की गई है। इसके अलावा एक कमेटी बनाने की भी बात की गई है जो इस टाइप की कुछ भी और क्रिटिकल सर्विसेज होंगी इस पर पूरा नज़र रखेगी और उनको भी नेट न्यूट्रलिटी से अलग रखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2427 के बारे में है। देखिए, अभी UPSC ने एक क्वेश्चन रखा था कि इंडिया ने ILO के 138 एंड 182 जो कन्वेंशन थे उनको साइन किया है, उन रेजोल्यूशन को इंडिया में भी पास किया गया है, वो किससे जुड़े हुए थे, और वो चाइल्ड लेबर उनका आंसर था, ठीक है। तो UPSC इस टाइप के क्वेश्चन बनाती है तो ध्यान रखिएगा। इसी टाइप का एक और कंटेक्स्ट है UNSC रेजोल्यूशन 2427, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने रेजोल्यूशन 2427 को अडॉप्ट किया है। बात करें कि रेजोल्यूशन 2427 क्या है, देखिए जो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं, सिंपल सी भाषा में बोलें तो जो आतंकवादी ग्रुप्स रहते हैं, टेरर ग्रुप्स रहते हैं, ये बच्चों को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भर्ती कर लेते हैं, ठीक है, उनको एज ए रिक्रूट कर लिया जाता है सैनिक के तौर पर। इसी से जुड़ा हुआ है रेजोल्यूशन 2427। इस रेजोल्यूशन में ऐसे जो बच्चे जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एज ए सैनिक रिक्रूट कर लिए जाते हैं तो उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। इस रेजोल्यूशन के कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो इस रेजोल्यूशन में ऐसे बच्चे जो भर्ती कर लिए जाते हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उनकी किलिंग हो जाती है, रेप्स होते हैं ऐसे बच्चों के, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस, किलिंग, री रिक्रूटमेंट है ना, उनका एबडक्शन हो जाता है, तो इन सारी बातों की ही निंदा की गई है रेजोल्यूशन 2427 में। इसके अलावा स्कूल या हॉस्पिटल में जो अटैक्स होते हैं उनकी भी निंदा की गई है, कंडेम किया गया है। इसके अलावा UNSC के साथ जो रिलेवेंट पार्टीज़ हैं जो जुड़े हुए हैं उन सभी से बात की गई है कि इस तरीके के स्पेशल मेज़र अपनाए जाएं ताकि जो बच्चे हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने आप पे जो कल्प्रिट्स हैं जो जीनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हैं, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाए और अल्टीमेटली उनका प्रोसिक्यूशन किया जाए, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की गई है कि इस टाइप के टारगेट लाना चाहिए ताकि जो परपेट्रेटर्स हैं उनको रोका जा सके, ठीक है, जो बच्चों के अगेंस्ट में एट्रोसिटी करते हैं। इसी टाइप का अगला पॉइंट है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सबको साथ में आना चाहिए ताकि जो पीस है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये था आपका रेजोल्यूशन 2427 के बारे में। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें ऐसे बच्चे जो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा रिक्रूट कर लिए जाते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई है। और इसके हाइलाइट्स में उनको उनको जो वेरियस तरीके से इस टाइप का ना हो, है ना, उनको रोकने की बात की गई है इस रेजोल्यूशन में। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इनसीड, जो कि एक बिजनेस स्कूल है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। फिर से बोलता हूँ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इनसीड, जो कि एक बिजनेस स्कूल है, और WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की रैंक की। तो 2015 में इंडिया की रैंक थी 81st, 81वीं थी, 2017 में 60th थी, और इस बार के लिए इंडिया की रैंक 57th है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लो मीडियम इनकम कंट्री हैं उनमें इंडिया की जो पोजीशन है वो फर्स्ट आई है। ठीक है, और जो वेरियस कंट्री हैं इनमें स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है, फिर आपका स्वीडन, एंड थर्ड पे नीदरलैंड है। इसके अलावा बाकी क्या पर्टिकुलर हैं, किस कंट्री की क्या पोजीशन है, ये बातें ध्यान में रखने लायक नहीं है। ठीक है, और इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, एनर्जाइजिंग द वर्ल्ड विथ इनोवेशन। तो बस ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और WIPO ने पब्लिश किया है, और इसमें इंडिया की रैंक 57th है। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ GM क्रॉप्स के बारे में है, तो ISAAA इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ कमर्शियलाइज्ड बायोटेक GM क्रॉप्स इन 2017। ठीक है, तो ISAAA के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बात की गई है कि वर्ल्ड में जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें GM क्रॉप्स बहुत ज़्यादा एरिया में उगाई जा रही है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, उसमें इंडिया 5th पोजीशन पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कुछ हाईलाइट भी दिए हुए हैं, जैसे कि जो वेरियस कंट्री हैं वहाँ पर मेज, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा, कैनोला, ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स उगाए जाते हैं, लेकिन इंडिया जो कि बिग ग्रोअर है, इसमें जो GM क्रॉप्स के लिए एरिया है वो सिंगल क्रॉप्स के लिए अलॉटेड है, इधर पे सिर्फ कॉटन इसी को उगाया जाता है, BT कॉटन को उगाया जाता है। ठीक है, बाकी इस रिपोर्ट के क्या पर्टिकुलर हैं, किस कंट्री में कितना उगाया जा रहा है, ठीक है, कितना एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारी बातें काम की नहीं है, हम GM क्रॉप्स के लिए बात करेंगे। देखिए, GM क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। GM क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको, जिन क्रॉप्स में पर्टिकुलर पेस्ट से, ठीक है, या पेस्ट है या जो वीड होता है, इनसे रेजिस्टेंस बनाने के लिए उन क्रॉप्स में कुछ जीन इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो ऐसी जो कन्वर्ट क्रॉप्स होती हैं उन्हीं को GM क्रॉप्स बोला जाता है। हमारी कंट्री में जो कॉटन है उसमें बल्बो इंसेक्ट का अटैक होता था, तो बेसिलस थुरेंस जीन उसमें इंसर्ट कर दिया गया, तो जो कॉटन की वैरायटी होती है उसे VT कॉटन बोला जाता है, या उसे ST कॉटन, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉटन की वैरायटी है इसमें एक जीन इंसर्ट कर दिया जाता है, और फिर जो GM क्रॉप रहती है उसमें आपका पिस्ट वगैरह या वीड नहीं होता है। इसमें कुछ समस्याएं भी थी, इसका जो कमर्शियल रिलीज थी इस पे जो GEAC है उसने रोक लगा दी थी, फिर भी जो कहीं के किसान थे तमिलनाडु, गुजरात वगैरह के, तो ये उसको उगा रहे थे। ठीक है, GM क्रॉप्स को इसमें कई सारे कंसर्न बताए गए थे कि जो GM क्रॉप है कॉटन की, इससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि उसमें एक बात की गई थी कि जो कॉटन की वैरायटी है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, तो ये कॉटन की यील्ड तो इससे बढ़ जाएगी, इसके अलावा इससे हेल्थ हैजर्ड ह्यूमन के लिए या कैटल्स के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा जो ST जीन इंसर्ट किया गया था उसमें ये भी बात की गई थी कि यदि आप कहीं पे ST या जो VT कॉटन है उसको कल्टिवेट करते हैं, और ठीक है, और हमको पता है कि जो ST कॉटन है, VT कॉटन है, ये वीड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे में मान लीजिए आप उसको उगा देते हैं और कहीं पे क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है,
किसी वीट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, और पता चलता है कि कॉटन के साथ फिर वीडी वीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में उग रहा है। तो ऐसे में जो कॉटन है उसका कल्टीवेशन की कॉस्ट और हेल्थ हैजर्ड दोनों बढ़ जाएंगे। ये सारे मुद्दे थे जीएम क्रॉप्स के बारे में। एक बात और भी बताना मैं चाहता हूँ आपको इधर पे, जीईएसी जिसका फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत ये काम करती है, और यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये अथॉरिटी होती है कि हमारी कंट्री में जो बीटी क्रॉप्स हैं या जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको ये अप्रूवल देती है कि ये कंट्री में कल्टीवेशन इनका होना है कि नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में है। तो देखिए क्या है कि जो इंडिया है उसको यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में ज्वाइनिंग मिल गई है। अब इंडिया इसका एक मेंबर हो चुका है। इंडिया यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का 69th पार्टनर बन चुका है। तो हम थोड़ी सी बात EBRD के बारे में भी करेंगे, क्योंकि UPSC की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इन पे क्वेश्चन बहुत उठाता है ना। तो थोड़ी सी बात हम EBRD के बारे में भी कर लेते हैं। देखिए जो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 30 से ज़्यादा कंट्री में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब कहाँ कहाँ पे चलना है ये तो मैटर नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके 30 से ज़्यादा कंट्रीज में अब प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये प्राइमरीली ऐसे कंट्रीज में फाइनेंस करना पसंद करता है जहाँ पर क्या रहता है, डेमोक्रेटिक मार्केट इकोनॉमीज रहती हैं, समझ रहे हैं, जहाँ पर लोकतंत्र स्थित रहता है, लोकतंत्र सेटअप रहता है, वहाँ पर ये जो EBRD है ये अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। और दूसरा, ये प्राइवेट एंटिटीज़ में प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं उनमें पैसा लगाना और उनके जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनमें पैसा लगाना पसंद करता है। EBRD का मैंडेट ये है कि ये दो चीज़ों में कमिटेड है कि एक तो कोई भी कंट्री जहाँ पे ये प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करती हो, दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो एनवायरमेंटल लॉ हों वो स्ट्रांग हों, उनकी रिस्पेक्ट की जाती हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, है ना। अब जो EBRD है ये किन किन सेक्टर में काम करता है, तो ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है उनमें बैंक, इंडस्ट्री, बिजनेस, न्यू वेंचर हो गए, कोई पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी हो गई। इसके बाद ये गवर्नमेंट के साथ भी कोलोबरेशन करके जो उनकी जो पॉलिसी है उनको प्रमोट करते हैं ताकि देश में बिजनेस का माहौल बनाया जा सके। जो EBRD है ये एक तो 65 कंट्री जो इसके साथ जुड़ी हुई है उन सब के द्वारा ओन किया जाता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, आपको पता होगा वहाँ पे जो यूरोप है वहाँ की जो कंट्रीज हैं उनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूरोपियन यूनियन, और उनका खुद का एक बैंक भी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन मतलब दो से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको कोलाबरेट करते हैं, उनके सहयोग से ये बना हुआ है, जिसमें आपका एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया और एक आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। बात EBRD के गवर्नेंस की करें तो जो EBRD का जो गवर्नेंस रहता है इसमें एक आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर हर एक कंट्री का एक मेंबर होता है जो कि जनरली वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। दूसरा, इसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ये जो इनकी पावर होती है वो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होती है, क्योंकि जो EBRD के जो भी स्ट्रेटजिक डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। और इसके बाद जो EBRD का जो प्रेसिडेंट होता है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा इलेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने बात की EBRD के बारे में कि ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये दो लोगों से मिलकर बना यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे गवर्न करता है, किन चीज़ों को फाइनेंस करता है, क्या इसके मैंडेट है, मैंने ये सारी बातें करी। अब थोड़ी सी बात हम ये भी कर लेते हैं कि इंडिया EBRD की ज्वाइनिंग कर रहा है, इंडिया को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखिए, इससे ये है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है, जो देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इससे हमारे देश में जो कई सारे सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, तो ऐसे में हमको को फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तीसरा ये है कि इससे हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट का माहौल क्रिएट हो जाएगा। हमको जो EBRD ये जो फॉर्म्स हैं
तो वहाँ से हमको टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और इससे हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये आप कॉमन सेंस से दिमाग लगा के भी, मतलब यदि सपोज करिए कोई ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि ईवीआरडी के क्या फंक्शन होंगे, क्योंकि बड़ी जनरल सी गाइडलाइन है कि इससे हमारे देश में ये हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आप गठजोड़ करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था पूरा का पूरा हमारा ईबीआरडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा इंडिया इसका 69th मेंबर हो गया है और इसके मैंडेट ध्यान रखिएगा कौन कौन से मिलकर बना है ना। चलिए आगे चलते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में बात की, जिसमें मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने 11 जुलाई का जो दिन है 1989 में, इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे डिक्लेयर किया था। और इस दिन को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि जो पॉपुलेशन रहती है उसमें इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाती है पॉपुलेशन के बारे में। इसके बाद हमने महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन की बात की, जिसमें हमने बात की कि जो महात्मा गांधी का 150th जो एनिवर्सरी है उस दिन इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन आयोजित की जाएगी, जिसमें 70 कंट्रीज़ के जो वेरियस मिनिस्टर हैं वो आएंगे और वो गुजरात में गांधी ट्रेल पर जाएंगे घूमने। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन की जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनका शोकेस किया जाएगा और जो वेरियस मिनिस्टर हैं उनकी कंट्री में जो सैनिटेशन की एक्सपर्टीज़ है उसको शेयर किया जाएगा। महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन के तहत एक चैलेंज भी गवर्नमेंट चला रही है, जिसके तहत जो वेरियस एनजीओ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और जो बिज़नेस फर्म्स हैं, इनसे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएं जिसमें जो सेप्टिक टैंक्स हैं या जो सीवर्स हैं उनकी सफाई के लिए ह्यूमन एंट्री ना की जाए, ठीक है। मतलब बिना आदमी के जो सेप्टिक टैंक हैं उनकी साफ़ सफाई की जा सके। इसके बाद हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट और नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लाई गई थी, जिसका मकसद हमारी कंट्री में जो एथलीट्स हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करना था। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं ताकि वो गोल्ड मेडल हासिल कर सकें ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। इसके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एथलीट्स रहते हैं उनके लिए सिलेक्शन के बेंचमार्क होते हैं, उस बेस पर उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें थी। हमने इसमें यह भी बताया था कि अभिनव बिंद्रा कमेटी बनाई गई थी और 2020 और जो 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे काम किया जाएगा ताकि हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सके। हमने नेट न्यूट्रलिटी की बात की, जिसमें मैंने बोला था कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइड करने में। जैसा हमने बात की थी कि किसी जो वेबसाइट हैं यदि उनकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है या कुछ सर्विसेज को पेट कर दिया जाता है तो ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। इसमें कई सारे रूल्स दिए गए थे, जिसमें हमने बताया था कि प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकती टेलीकॉम कंपनीज। इसमें हमने आगे बात की थी जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म्स, जिसमें हमने बताया था कि जो आपका एयरटेल और फेसबुक का अग्रीमेंट था जिसमें फेसबुक की सर्विस फ्री दी जानी थी, हमने इस पर बात की थी। इसके अलावा हमने बात की कि जो न्यूट्रलिटी है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग करते समय हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरत रहेगी, वहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी का एक्सेप्शन किया जा सकता है। इसके अलावा हमने रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बात की थी, जिसमें हमने 3 इडियट का एग्जांपल दिया था, या कहीं भी रिमोट एरिया में जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाएंगी तो उसमें नेट न्यूट्रलिटी का एक्सेप्शन किया जा सकता है। हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन की बात की, रिजोल्यूशन 2427, जिसमें हमने बताया कि जो रिजोल्यूशन 2427 है, जो नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं, कहने का मतलब जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है इनमें वो बच्चों को शामिल कर लेते हैं, तो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बारे में था रिजोल्यूशन 2427। इस रेजोल्यूशन में कई सारी बातें की गई थी कि ऐसे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उनकी किलिंग हो जाती है, सेक्सुअल वायलेंस होता है। इसके अलावा इस रेजोल्यूशन में बताया गया था कि हॉस्पिटल या जो स्कूल्स हैं उन पर अटैक नहीं किए जाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन में जो कम्युनिटी है उसको सबको साथ में आना चाहिए ताकि जो चिल्ड्रंस हैं इनका प्रोटेक्शन किया जा सके। और हमने सबसे लास्ट में EBRD के बारे में बात की, यूरोपियन बैंक फॉर
फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने बताया कि जो EBRD इंडिया इसका मेंबर हो गया है, 69th इंडिया मेंबर हो गया है, अब जो इंडिया का इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो अच्छा हो जाएगा, इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया था कि जो इंडिया है उसकी करेंट पोजीशन 57 हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। दोस्तों आज UPSC प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया, आपको सभी को जानकारी हो गई होगी। दोस्तों जो लोग सक्सेस हो गए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी करें मेंस के लिए। जो लोग फेल हो गए हैं उनके लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, फिर से जी जान से लग जाएं। ठीक है, बुरा मानने का कुछ नहीं है दोस्तों, ये UPSC है और आप ये सेकंड में देख लें वो किस तरीके से प्लेट को मूव कर रहा है, उससे पहले आप सीढ़ियाँ देख लें। कोई भी सक्सेस आदमी होता है सिर्फ हमें उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन उससे पहले उसकी कितनी फेलियर है इसको भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लगे रहिए। और दोस्तों इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितना रश है, कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, आप कितने ज़्यादा हंगरी हैं इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों लगे रहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा, और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।